इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने गत देर रात भटौली स्थित विसर्जन कुंड का निरीक्षण किया। शर्मा ने इस अवसर पर सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी ली और देवी प्रतिमाओं के विसर्जन में शासन द्वारा तय गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान कुंड में देर रात तक दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। शाहपुरा थाना क्षेत्र के झांसी घाट में जबलपुर से नरसिंहपुर ले जाया जा रहा 70 बोरी यूरिया तहसीलदार राजेश ने जब्त कर शाहपुरा थाने के सुपुर्द किया। जबलपुर का यूरिया कालाबाजारी कर नरसिंहपुर भेजा जा रहा था। तहसीलदार ने बताया कि मंगलवार को यूरिया की कालाबाजारी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर झांसी घाट पर पिकअप वाहन को रोका गया, जिससे यूरिया लगा था। भीटा निवासी पिकअप चालक वीरेंद्र से पूछा गया तो उसने यूरिया नरसिंहपुर ले जाना बताया। यूरिया जो है शाहपुरा से लग के और नरसिंहपुर जिले की तरफ जा रहा है, तो जो है झांसी घाट पे जो है यूरिया से भरे एक माजदा नई गाड़ी को है पकड़ लिया गया है और उसमें वास्तविक रूप से यूरिया पाया गया। किसान का ये कहना है कि वो यूरिया अपने सिकनी लिए खेत नरसिंहपुर लेके जा रहे थे, तो गाड़ी को अभी थाने में पकड़ करके खड़ा करा दिया गया है और उसकी जाँच के लिए जो है कृषि विभाग को दे दिया गया है। जो है जाँच के बाद शहर की सफाई व्यवस्था और कचरा परिवहन से लेकर कठौंदा का कचरे से बिजली बनाने का प्लांट दुबई की अवार्डा कंपनी 15 दिनों से संभालेगी। इसके लिए सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द ही नगर निगम अवार्डा और एसएल कंपनी के बीच अनुबंध होने जा रहा है। नगर निगम को उम्मीद है कि नई कंपनी अवार्डा पटरी से उतरी सफाई व्यवस्था को अच्छी तरह से संभालेगी। हालांकि इस बारे में नगर निगम का पहला अनुभव एसएल कंपनी के साथ अच्छा नहीं रहा है। इस कंपनी ने निर्बंध के जिस तरह से धज्जियां उड़ाते हुए शहर को रुलाया है, उसे देखते हुए अवार्डा का काम अभी देखना बाकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। युवकों की शिनाख्त हो चुकी है। हादसा गत शाम का है। हादसा इतना दर्दनाक था कि 3 युवकों के सिर बुरी तरह से कुचल गए। सूचना पर पनागर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके पहले ही टक्कर मारने वाला अज्ञात चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी ने ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर मुस्लिम समुदाय द्वारा निकाले जाने वाले परंपरागत जुलूस के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्मोत्सव ईद मिलादुन्नबी 30 अक्टूबर को जुमा शुक्रवार को अकीदत आस्था और शालीनता के साथ मनाया जाएगा। मुफ्ती आजम ने लिखा है कि हाल ही के दिनों में देश और प्रदेश में कोरोना महामारी में कमी हुई है, इसी कारण जलसा जुलूस के आयोजनों में शासन प्रशासन द्वारा ढिलाई दी जा रही है। मौलाना साहब ने कहा कि प्रदेश शासन द्वारा जिस तरह दीगर त्योहारों और सियासी आयोजनों में ढिलाई दी जा रही है, उसी तरह ईद मिलादुन्नबी मनाने में ढिलाई दी जानी चाहिए। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज, फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर में दिन का तापमान अब भी 33.3 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। इससे दोपहर को तपन का एहसास लगातार जारी है। वहीं रात का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया। गत वर्ष आज के दिन का न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री दर्ज किया गया। इस लिहाज से पिछले साल के मुकाबले इन दिनों रातें ज्यादा ठंडी होने लगी है। मंगलवार को आर्द्रता का प्रतिशत 76 रहा। उत्तर पूर्वी हवाएं 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जस्टिस शांतनु एस कैमकर ने कहा कि जबलपुर में अब एक छत के नीचे उपभोक्ता संबंधी मामलों का निराकरण हो सकेगा, इससे न्याय प्रशासन में भी तेजी आ सकेगी। जस्टिस कैमकर ने यह उद्गार कटंगा स्थित राज्य और जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग की नई बिल्डिंग का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करते हुए व्यक्त किए। अभी तक जिला उपभोक्ता आयोग क्रमांक 1 और 2 का काम अलग अलग किराए के भवनों में चल रहा था। अब 2 नवंबर से नई बिल्डिंग में राज्य और जिला उपभोक्ता आयोग की सुनवाई शुरू हो जाएगी। पिछले 3 दिन में वेटरनरी कैंपस में लुका छुपी करने और कई ठिकाने बदलने वाला तेंदुआ गत सुबह पेंटिनाका स्थित सेंट जोसेफ स्कूल के सामने फुटबॉल ग्राउंड में कई लोगों को दिखा। चश्मदीदों के मुताबिक तेंदुआ मैदान से मिलिट्री हॉस्पिटल से लगे खेतों की तरफ जाते हुए देखा गया। ऐसा अनुमान है कि तेंदुआ इसी रूट से वापस जंगल पहुंच गया था। इधर वेटरनरी कैंपस में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि डीन बंगले में तेंदुए के फक मार्क पाए गए थे। कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें भी कैद हुई हैं।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल और एसडीओपी देवी सिंह के मार्गदर्शन में थाना पाटन पुलिस को एक आरोपी को 300 पाव देशी शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना प्रभारी पाटन आसिफ इकबाल ने बताया कि आज सुबह विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सहसन में सरकारी स्कूल के सामने एक व्यक्ति अधिक मात्रा में देशी शराब लिए हुए बचने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर थाना पाटन पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां ग्राम सहसन में सरकारी स्कूल के पास में एक व्यक्ति हरे रंग की बोरी रखे खड़ा दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जैसे पुलिस स्टाफ द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। शहर में सोमवार रात महाकाली प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस ने कुछ लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया था। घटना के विरोध में बुधवार को 5 हिंदू संगठन के 50 कार्यकर्ता एसपी ऑफिस का घेराव करने निकले, लेकिन पहले से मुस्तैद पुलिस बल को देख कार्यकर्ता संगठन के पदाधिकारी एसपी ऑफिस के 400 मीटर पहले ही ज्ञापन सौंप कर चलते बने। खुद एएसपी 200 पुलिसकर्मियों के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। प्रदर्शन में शामिल संयुक्त संगठनों ने पुलिस के लाठीचार्ज का विरोध करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। जबलपुर में सड़क दुर्घटनाएं होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है। भेड़ाघाट के ग्राम तेवर के बाद अब कुंडम के टिकरिया घाट पर आमने सामने से हुई भिड़ंत में मोटरसाइकिलों के परखच्चे उड़ गए। वहीं मोटरसाइकिल सवार युवकों के शरीर पर गंभीर चोटें आने के कारण मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और पूछताछ के बाद मामले की जांच शुरू कर दी। कोरोना से स्वस्थ होने पर 27 अक्टूबर को 51 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 1586 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट में 35 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। डिस्चार्ज हुए 51 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 11773 हो गई है। जबलपुर का रिकवरी रेट बढ़कर अब 92.68% हो गया है। विगत 24 घंटे में भेजे गए कुल सैंपलों की संख्या 1731 है। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपलों की संख्या 151,292 है। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर भेजे गए सैंपलों की संख्या 54,344 है। आज दिनांक को प्राप्त रिपोर्ट 1586 है। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 35 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 12,670 है। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 51 है। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 11,743 है। इसके कारण जो हमारा रिकवरी रेट है वो बढ़कर 92.68% हो गया है। विगत 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 2 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 201 है। वर्तमान में जो एक्टिव केस बचे हैं वो 726 हैं। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 1036 है। कुल कंटेनमेंट क्षेत्र 40 है। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 893 है। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 787 है। होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीज की संख्या 466 है। हम लगातार ये आह्वान कर रहे हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अनिवार्यता लगाएं और अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनका पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे 93 लोगों के विरुद्ध आज कार्रवाई हुई है और 11,950 रुपये का फाइन अलग अलग लोगों पर अधिरोपित किया गया है। एक दुकान भी इस कारण से सील हुई है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोरोना संबंधी जानकारी लेनी है या कोई समस्या हो तो आप हमारे कोरोना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जो टोल फ्री कंट्रोल रूम का नंबर है उसको पे आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसका नंबर है 07612637500 से 505। ये 24 घंटे चलने वाली सुविधा है, इसका आप लाभ लें। एक बार पुनः रिक्वेस्ट रहेगी, त्योहारों का समय है, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। बुजुर्ग और बच्चों को घर में ही रखें, कोरोना के नियमों का पालन करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अनिवार्यता लगाएं, 2 गज की दूरी रखें। हम सभी यदि ये संकल्प लेंगे तो निसंदेह हम कोरोना मुक्त जबलपुर को कर पाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित, ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइजेस। Our facilities, free Wi-Fi, AC, TV, parking, security, lift, full sanitized room, toiletry kit. Hotel Garishi, Hall No. 8, Chittor Complex, MP Nagar, Zone 1, Bhopal. Phone number 789-812-8620.
के गलियारों से गांव की गलियों तक, देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।